उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में लॉकडाउन के वजह से सरकार हर एक गरीब मजदूर को गांव में सरकारी गल्ले की दुकान से सबको फ्री में राशन वितरण कराने का आदेश दिया है। यह राशन सरकार के तरफ से निशुल्क है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से कोटेदार इस लॉकडाउन में गरीबों का राशन हड़प ले रहे हैं। इन पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह मामला देवरिया जनपद के मदनपुर थाना क्षेत्र के नकई गांव का है। यहां कोटेदार के खिलाफ खटतौली की शिकायत अधिकारियों से करना भारी पड़ गया। जांच में आए अधिकारी के सामने ही शिकायतकर्ता को प्रधान और कोटेदार लाठी डंडों से बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। वही घायल शिकायतकर्ता चंद्रभूषण सिंह थाने को तहरीर दी तो आरोपियों को बचाते हुए नॉर्मल धाराओं में पुलिस मुकदमा दर्ज कर अपना कागज कालम पूरा कर लिया। पिटाई करते समय कोटदार के दर्जनों सहयोगी लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण को कोटेदार ग्राम प्रधान मिलकर किस तरह लाठियों से पीट रहे हैं। महिला बचाव में आए उसे भी नहीं बख्शा। पिटाई को देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन अधिकारी इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर की है। सरकार सभी गरीब व्यक्ति को राशन निःशुल्क देने की हिदायत दी है, लेकिन उनके ही अधिकारी की मदद से कोटेदार की मनमानी से गरीबों तक पूर्ण राशन नहीं पहुंच पा रहा है। अधिकारियों की मिली भगत से सरकार की दी हुई सुविधा गरीबों तक नहीं पहुँच रही है, जिसके वजह से देवरिया जनपद में कोटेदारों की मनमानी चरम सीमा पर है। ग्रामीण की शिकायत पर अगर समय रहते कार्यवाही हुई होती तो आज ग्रामीण की पिटाई अधिकारियों के सामने नहीं हुई होती। जी बताइए, क्या मामला था ये जो लफड़ा हुआ है? मामला ये था कि हम भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं। जी, पार्टी से निर्देश था कि जो अन्न का दान हो रहा है, मुफ्त अन्न दिया जा रहा है, उसका आप लोग जरा इंक्वायरी करिए कोटेदारों के वहाँ, घटे कम न दें। उसी के संबंध में जब पता चला कि कम दे रहे हैं, 10-10 किलो 15-15 किलो तक कम, आधा 50% राशन दे रहे थे, तो हम लोगों ने इसके एप्लीकेशन बना करके और भेज दिया SDM के पास। तो वहाँ इसको खुन्नस आई, SDM के वहाँ से जब जांच अधिकारी आए, DM ने नियुक्त किया, तो चूंकि वो राशन माफिया है, प्रधान पुत्र और कोटेदार ये दोनों मिल के उस दुकान को चलाते हैं, और प्रधान पुत्र का बहनोई राम कुमार है जो जिले का राशन माफिया है। जी, अब जांच अधिकारी के साथ सोच लीजिए, जब जिले राशन माफिया आएगा तो जांच कराएगा वो, तो अपने लोगों को बचाएगा कुटेदारों को। और उसने उल जुलूल तरीके से उल्टा पुल्टा करके जांच कर लिया, और आकर के हम लोग कहा बिलुआर घाट में आप लोग आइए, हम वहाँ लेते हैं जांच। यहाँ आया तो आते ही उन समूह ने मारपीट शुरू कर दिया कि कुछ यहाँ बयान होना ही ना पाए उपभोक्ताओं का, तो मारपीट किए हैं। उसके बाद से आप लोग थाने पर ले जाके एप्लीकेशन दिए? थाने पर एप्लीकेशन दिए हैं। हाँ, तो थाने ने थोड़ी ढीली कार्यवाही किया और उसके बाद धारे कालपीकरण किया है। अच्छा, ये साहब जब आए थे तो आप लोग के दरवाजे पर आए थे कि दरवाजे पर नहीं, पहले उनके दरवाजे पर गए थे प्रधान जी के, और वहाँ जा करके वो जलपान उलपान करके अब क्या क्या बात करके आए, और ये जानते हुए कि समस्या बढ़ सकती है, विवाद बढ़ सकता है, इन्होंने उनको उठाया नहीं। अच्छा, और फिर आकर साहब को ये पता था कि समस्या बढ़ सकती है? समस्या बढ़ सकती है, इसके बाद भी वो उसको उठाए नहीं। जी, और फिर आए हम लोग को समझा उमझा करके और ये करके गए। फिर इतनी वक्त बुलाए थे हम लोग, गए हैं तो FIR की नकल तो दिए हैं, दर्ज किए हैं, लेकिन धाराओं का समुचित ये नहीं किया है, धाराओं का अल्पीकरण किया है। फिर मेडिकल हुआ है, मेडिकल के लिए हमारी यहाँ के लिए रेफर किया है देवरिया, कल एक्सरे वगैरह होगा और उनका मेडिकल जो है रख लिए हैं, और कल जो है मेडिकल के आधार पर देखिए क्या आगे करते हैं। जी, तो आपका नाम क्या है? चंद्रभूषण कुमार सिंह। और घर कहाँ है? नकई। जी, ये किस कारण झगड़ा हुआ था, ये लफड़ा किस विवाद की? ये राशन की दुकान की जांच हो रही थी। हाँ, दिया गया था एप्लीकेशन। हाँ, तो जांच हो रही थी, ये RO आए थे और ये सुशील बाबू आ गए थे, और जो वह लोग फ़ोन किए, हम लोग वहाँ पर पहुँचे, और तत्काल जो है कि विजेंद्र कुमार और कोटेदार, ग्राम के प्रधान का नाम है विजेंद्र, प्रधान पुत्र का नाम है, प्रधान के पुत्र का नाम, हाँ, और कोटेदार, दोनों लोग मिल के घंटे पर और लोग जो है उनके साथ थे, और 10 लोग थे, मारपीट आप लोग के साथ की है, बदतमीजी। और ये चीज़ बताइए, आप थाने पर, जो मदनपुर थाने पर कोई एप्लीकेशन दिए थे? नहीं, पहले नहीं दिए, बाद में दिए थे, जब झगड़ा लफड़ा हो गया था उसके बाद दिए हैं। हम 112 को बुलाए थे। हाँ, और उसके बाद से वो लोग कहे कि थाने पे आइए, थाने पर तहरीर दी गई। हाँ, और थाने पर तहरीर दी गई तो वह लोग आए रात में। हाँ, और विजेंद्र के दरवाजे पर जा कर के बैठे थे। हाँ, उसके बाद से जो है कि फिर हमारे यहाँ लोग आए जी, और फिर वहाँ से जो है कि लोग
उसके वजह से कोई कार्रवाई वरवाई किए हैं लोग? एफ आई आर दर्ज किए हैं केवल, और कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं किया उसके वजह से आपको भेज दिए लोग? उसके वजह से वो प्रधान का गिरफ्तारी हुआ है? नहीं 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 हुआ है। लेकिन प्रधान नहीं, 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 धारा भी जीरो कर दिए हैं। धारा 148 लगाना चाहिए था उनको, लेकिन 147 लगा कर छोड़ दिए हैं। 148 को छोड़ दिए हैं, चूँकि 148 में गिरफ्तारी है तो उस धारा को छोड़ दिए हैं। उस धारे को छोड़ दिए हैं। तो क्या आपका नाम क्या है? उमेश कुमार। आपका घर कहाँ है? नकई। नकई थाना मदनपुर जनपद देवरिया अंतर्गत ग्राम नकैल में एक कोटेदार की शिकायत किसी ने की थी। उसी की जांच को लेकर के कुछ लोग गांव में आपूर्ति विभाग के जांच करने गए थे। जांच करके वो वापस आ गए और जब कोटेदार और उन के समर्थकों को ये बात पता लगी कि किसी ने कंप्लेंट की है, इसी बात से क्षुब्ध होकर के उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ मारपीट की, जिसमें कोटेदार और जो वर्तमान प्रधान हैं उनके परिवार के लोगों का सम्मिलित होना बताया जा रहा है। और जैसे ही ये झगड़ा हुआ, इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, और तभी पुलिस जो है मौके पर पहुंची और जो पीड़ित है जिसके चोट लगी है उसकी तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया है और पुलिस बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है। विवेचना हो रही है और विवेचना के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।